दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ये मामला लगातार बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ लोकसभा चुनाव करीब हैं तो दूसरी तरफ ईडी ने आप नेताओं पर शिकंजा कस रखा है। आज ताजा मामले में सीएम केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए, जिसके बाद सीएम केजरीवाल ने भी अपनी दलीलें पेश की और अपने आप को बेकसूर बताते हुए बीजेपी पर कई आरोप लगा डाले। तो चलिए आपको बताते हैं कि कोर्ट में सीएम केजरीवाल ने क्या क्या कहा। पहले आपको बता दें कि कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को रिमांड अवधि खत्म होने के बाद आज ईडी ने एक बार फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। पहले ईडी की ओर से पेश हुए SSGSV राजू ने केजरीवाल की रिमांड एक हफ्ते बढ़ाने की मांग करते हुए अपनी दलीलें खत्म की, जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से परमिशन लेकर अपनी बात रखनी शुरू की, जिसमें सीएम केजरीवाल ने कहा कि ये केस 2 सालों से चला आ रहा है, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, अभी तक मुझ पर कोई आरोप नहीं है, कोई दोष साबित नहीं हुआ, अभी तक 31,000 पन्ने कोर्ट के सामने रखे गए हैं, बहुत से बयान दर्ज किए गए हैं, मेरा नाम 4 बयानों में ही है। इतना ही नहीं, सीएम केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के पूर्व PAC अरविंद के बयान में आए उनके नाम पर कहा कि मेरी मौजूदगी में दस्तावेज दिया गया, बहुत से लोग मुझसे मिलने आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, क्या ये गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त कारण है? तो वहीं केजरीवाल ने मंगूटा श्रीनिवासुलु रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि जब तक उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया था उनके बयान एक जैसे रहे, इसके बाद उन्होंने अपना बयान बदल लिया और अगले कुछ दिनों में उनके बेटे को रिहा कर दिया गया। बात यहीं खत्म नहीं होती, इसके आगे सुनिए। केजरीवाल ने कोर्ट में ईडी को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि ईडी का मिशन केवल और केवल उन्हें फंसाना है। केजरीवाल ने आगे कहा कि 100 करोड़ का घोटाला है तो पैसे कहाँ हैं? असली घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू हुआ। उन्होंने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी के 2 ही मकसद हैं, एक आम आदमी पार्टी को खत्म करना और दूसरा वसूली रैकेट चलाना। इसके बाद वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने शरद रेड्डी पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी को 55 करोड़ दिए, मेरे पास इसके पुख्ता सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल इस्टैब्लिश है। उन्होंने बीजेपी को 50 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के बाद दिए। तो वहीं इस मामले में आगे आगे और क्या होता है ये देखने वाली बात होगी कि क्या सीएम केजरीवाल पर कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।